नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम मौजूद हैं बिहार के अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के गुणवत्ती पंचायत में, गुणवंती पंचायत में। ये जो शख्स जिन्हें आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रामेश्वर कुमार राय जी हैं। आइए इनसे जानते हैं। 18 से 19 माह का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लगभग 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 3 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। कैसे विकास होगा पंचायत में, इस मुद्दे पे बात करते हैं मुखिया जी से। सबसे पहले मुखिया जी, आपका हमारे बिहार न्यूज़ नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, और इस मंच को तैयार करने के लिए आप लोग जो मेहनत किए हैं, इसके लिए आपको, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। जी, आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद है मुखिया जी। मैं रमेश कुमार राय, मुखिया ग्राम पंचायत राज गुणवंती। जैसा कि सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं कि 2021 पंचायत चुनाव के बाद हम सभी जब नवनिर्वाचित मुखिया पूरे ही जोश खरोश के साथ मनोनीत होकर, निर्वाचित होकर, माफ़ कीजिएगा, आए पंचायत में, तो हम लोगों में एक अलग जोश था कि रात दिन बस हम लोगों की एक सोच थी कि हमें पंचायत के विकास को आगे बढ़ाना है। जो आयाम पूर्व के लोग किए हैं, इससे कहीं और आगे लेकर हम लोगों को पंचायत को और समाज को लेकर चलना है। लेकिन लगभग 2 साल बीतने को जा रही है, और जो हम लोग इरादे से, जो सोच से और जो जोश से निर्वाचित होकर आए थे, कहीं ना कहीं अब हम लोगों को थोड़ा सा एक ऐसा फीलिंग हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ पंचायती राज व्यवस्था में जो हमारा अधिकार होना चाहिए, सरकार इनसे हम लोगों को महरूम कर रही है, हम लोगों को दूर रख रही है। तो मेरा कहना है कि भारत, हमारा देश, यह 77% गांव और पंचायत से जुड़ा हुआ है। आबादी यहाँ गांव में बसती है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब तक गांव विकास नहीं करता है, तब तक देश विकसित नहीं हो सकता। हम भले ही जीडीपी को कितना ही बढ़ा चढ़ा के बता दें, हम विकासशील हैं, विकासशील से विकसित की ओर जा रहे हैं, ये डिंगड़ा फोड़ लें, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर हमारा गांव, हमारा पंचायत, पंचायत के लोग, आम ग्रामीण विकास नहीं करते हैं, विकास की गतिधारा से नहीं जुड़ते हैं, तो ये दावा केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की खोखली है। तो लगभग 2 साल के बाद हम लोग जब फर्स्ट टाइम 2021 में कोरोना से जूझते हुए बाहर आए और जब निर्वाचित होकर आए, तो पंचायत में जो आवंटन दिया गया था कमोबेश, उनका हम लोगों ने मैक्सिमम यूटिलाइज किया, भरपूर उसका जो है ना हम लोगों ने इस्तेमाल किया, और योजनाएं ग्राम सभा से लेकर कार्यकारिणी में लेकर तैयार किया, और उसको धरातल पर जितना रुपया था, जितना पैसा था हमारे फंड में, 15वीं में हो, सिस्टम हो, अदरवाइज, उसको हमने मैक्सिमम यूटिलाइज किया। क्या क्या विकास का कार्य हुआ आपके पंचायत में 18 से 19 माह में? आपने पंचायत में क्या क्या विकास का कार्य किया है? अभी से लगभग, अभी करीब 5 से 6 महीने से तो हम लोग कुछ काम कर नहीं रहे हैं। सारा का सारा मुखिया जी जितने भी हैं प्रदेश के सारे हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। और 1.5 साल पहले तक जो हम लोगों ने काम किया, हमने अपने रीजन में लगभग 8 पक्की सड़कें बनाई हैं, 3 फेवर लॉक किया है, 4 मनरेगा से कच्ची सड़कें बनाई हैं, 1 पुला का निर्माण किया है, 5 अमृत सरोवर हमारे यहाँ बनी है, 4 कुएँ का हमने निर्माण किया है, जीर्णोद्धार किया है, यात्री सेट बनाया है। इसके साथ साथ और भी पंचायत के बहुत सारे जो विकास संबंधित कार्य हैं, हम उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब लगभग करीब मार्च अप्रैल में जो हम लोगों को अल्टीमेटम दिया गया कि आप लोग एनी हाउ जो है ग्राम पंचायत से ग्राम सभा करा कर योजनाओं को जीपीडीपी में लोड करें, पैसा को हमको छोड़ना है। जो सरकार की जो गाइडलाइन थी उसके तहत हम लोगों ने ग्राम सभा कराया, ग्राम सभा करा के जो सबसे अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ जहाँ आवश्यकताएँ थी, उन योजनाओं को कार्यकारिणी में लिए और उसके बाद जीपीडीपी में लोड किए। मैं आपको बता दूँ कि ग्राम पंचायत गुणवंती से लगभग 20 योजनाएं हमने जीपीडीपी में लोड किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं हमारे यहाँ जो करना है, उससे लगभग 80 लाख का करीब करीब बजट आ रहा है। लेकिन सरकार की हैरत की बात है, जीपीडीपी में जब हम सारे लोग योजना अपने अपने पंचायत से लोड करवा दिए हैं, तो ये खबर, ये जानकारी तो ऑलरेडी सरकार को है, विभाग को है, तो उसी के तहत राशि हम लोगों को पंचायत में मुहैया कराया जाना था। लेकिन ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके इतर, आज से लगभग 2 या 3 दिन पहले 15वीं में लगभग किसी पंचायत में 15 लाख, किसी पंचायत में 20 लाख समथिंग जो है छोड़ा गया है।
अब मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ, जहाँ मेरा टारगेट 2023-24 के लिए पंचायत के विकास से संबंधित हमने 80 लाख समथिंग का टारगेट दिया सरकार को, आप वहाँ 15 से 20 लाख रुपया भेज रहे हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? आए दिन विभिन्न समस्याओं से सभी मुखियाओं को जूझना पड़ रहा है। सभी लोग जानते हैं, छोटी से बड़ी समस्याएं जो भी है, वो 12 बजे रात हो दिन हो, अगर किसी को सबसे पहले पंचायत के लोग, गरीब हो सामान्य लोग हो, अगर कोई याद करते हैं विभिन्न समस्याओं में एनी हो, तो मुखिया जी को याद करते हैं। और हम लोग भी 24 घंटे अपने घर का दरवाज़ा और अपना मोबाइल खुला रखते हैं कि किसी को भी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अगर करे तो हम लोगों पर तो तोहमत है ना। लेकिन दुख की बात है कि बड़ी बड़ी योजनाएं जो सरकार की चली, अभी हम लोग जान रहे हैं कुछ दिन पूर्व जब नल जल योजना के साथ निश्चय 2 में लिया गया था, एक सरकार की बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, ये मान्य ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री जी का, और उस समय से लेकर अब तक में तो ऑलरेडी यह धरातल पर 100% इसको उतार देना चाहिए था, लेकिन विभाग की स्थिति आपके पंचायत में जल नल की, मैं सिफर कहूँगा 60% काम हमारे यहाँ पंचायत में हुई है। इसको लेकर हम लोगों ने ग्राम सभा के द्वारा सोशल ऑडिट जो बार बार सरकार भेज रही है उसके माध्यम से खुद पत्राचार करके विभाग को हम लोग बराबर दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें जो होना चाहिए था प्रोग्रेस, इसमें अभी तक वो प्रोग्रेस नहीं हो पाया है। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा, ये जो अभी स्ट्रीट लाइट की योजना है ब्रेडा को दिया गया है, हमको लग रहा है कि निश्चित तौर पर हो ना हो कहीं नल जल योजना के तहत ये भी फेल्योर ना हो जाए। सरकार इतनी राशि, इतना पैसा इस पर खर्च कर रहा है, और अगर ये ब्रेडा के द्वारा बाहर ठेकेदारों के द्वारा कराया जा रहा है, पंचायत के मॉनिटरिंग में नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि ये फेल्योर हो सकता है। अब देखिए कि ब्रेडा के तहत भी अगर हम लोगों को स्ट्रीट लाइट किसी भी वार्ड में लगाना है तो उसके लिए हम लोग ग्राम सभा करवाए हैं, जो गाइडलाइन दिया है सरकार ने, ग्राम सभा करवाए हैं, कार्यकारिणी में लिए हैं, और किस वार्ड में कहाँ किसके दरवाजे या कौन सी सार्वजनिक जगह पर इसको लगाया जाएगा, इसका हम लोगों ने ऑलरेडी इसका लिस्ट तैयार करके दिया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि स्ट्रीट लाइट का भी जो ऑलरेडी मॉनिटरिंग और फिनेंशियल पावर था, ऑलरेडी फुल्ली जो है ग्राम पंचायत के अधीन होना चाहिए था, मुखिया के द्वारा होना था, और ठीक इसके इतर काम किया जा रहा है, ये बहुत ही अशोभनीय है। निश्चित तौर पर इससे विकास से संबंधित जो योजना है सरकार की, जो हम लोगों की तैयारी है, ये कहीं ना कहीं इसमें जो है ना बाधा उत्पन्न कर रही है और आगे भी करेगी। क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को, अपने विकास कार्य को लेकर के, अपने वेतन मांग को लेकर के, और अपने अधिकार के लिए और अपने सुरक्षा के लिए? विकास से संबंधित जो समस्याएं हैं हमने अभी आप फेस किया है, और निश्चित तौर पर जितनी अधिक से अधिक राशि इस पंचायत को ससमय सरकार उपलब्ध कराएगी, हम उतना अधिक से अधिक पंचायत का विकास कर सकेंगे। और जहाँ तक रही अधिकार की बात, तो गांधी जी का सपना था आज़ाद भारत में, जो गांधी जी ने सपना देखा था, उसके बाद हमारे बिहार प्रदेश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर ने जो सपना देखे थे, उनको अगर धरातल